Good evening everybody, this is Rakesh Markandia, lecturer in physics. Welcome to a new chapter of a class 12 physics, that is semiconductor devices or semiconductor electronics, which is the last chapter of a second year physics. In this lecture, we discuss about electronic emission and types of electronic emission or some basic introductory idea about electronics. तो जो मैंने आज का वीडियो अच्छे को नुमाज जो description box में मुझे WhatsApp number अच्छी मतलब WhatsApp वाले मुझे यार entire notes तुम कुछ share कर पाएंगे आप ताश वाले तो जो तुम पे टी पसंद ना कुछ नया वीडियो को लाइक करिए आप उसके लोग क्या पहले November 5 तमने काली तो अमर IIT JE और NEET पाई अमर कौन कुछ ना का extra class starting में जाओ चीज जो कि YouTube पे upload हो प्रीवियस नीट बा आईआईटी जेल जहां क्वेश्चन आसीतला चैप्टर वाइज बा जहां प्रोबेबिलिटी अछि 2021 नीट के जेई पाई हम से विस्तार रे डिस्कशन करे पर जाउ छथि आ काली हम डिस्कशन करे नीट आ आईआईटी जेई रो फर्स्ट ईयर रो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल पावर मेजरमेंट आ सेकंड ईयर रो फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रो स्टैटिक ठीक अछि तो सते पाई तुम ध्यान रखबे चैनल सब्सक्राइब करे पड़ियो जे चैनल सब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब करो कितना कितना सीखि पाइबा तुम्हें आउ गोटे कथा हो जी ए आमे जे चैप्टर डिस्कशन कर छुंती एटा पूरा सेकंड ईयर फिजिक्स लास्ट चैप्टर या पूर्वरु चैप्टर नंबर 11 12 13 ऑलरेडी मु कंप्लीट कर दे छी त प्लेलिस्ट चेक कर पाइबो चैप्टर दुआ लेवल कंप्लीट हो छी आज आमे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर छु जे कते वेरी इंपोर्टेंट से चैप्टर निहार रूपे 10 मार्क क्वेश्चन आसे तो टिक प्लेन पेशेंटली टिक वीडियो लेक्चर को सुनिबो आ आज मु जहां पढ़ा पे जाओ जी सब टोटल इंट्रोडक्टरी आईडिया इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ा पहले तो ये बहुत से पहले का सुनिए देखो आप तो जान पड़े जे इलेक्ट्रॉन्स पहले कौन इलेक्ट्रॉन्स कौन इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस सिस्टम इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फ्लोस सच एज वैक्यूम सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड गैसियस मीडिया को सर आप भी ओडिया लैंग्वेज में देखो पहले मैं तुमको बुझे दूं तुम जान लो जेतो बड़े हम मां माने बाहरी पर आसीले सत्तो से जौतु को था था से जौतु टिपिडा आइ थे जो टिपिडा कोन होतला ना देखियो टिपिडा हम दिला पछो कोटे बाहरी में आसीबो आगे पुराना टिपि दिला मोर मन हो जी मो मां आइ थला ओटा कुना टिपि आइ थला कुना कोटे जान जो सर्ट बगा टिपि केतो बड़ो टिपि केतो जंदा टिपि तापर तापर आसे अपने ब्लैक एंड व्हाइट टिपि तापर आसे कलर टिपि आसीला देखियो पहिले जागर पुराना एलजी टिपि जो बा कलर टिपि जो पुराना देखो पहिले पछो कोटा किंतु एबे जो जोंटा टीवी देखु जो ए होची टोटल ला एलईडी टीवी एलईडी टीवी पे आसु जी पूरा ओएलईडी फैसिलिटी दे देखे तो अपने जो मान बिग बॉस देखु जो बिग बॉस रे से कोन करू जे ना सबमखा जो जो वीडियो कॉलिंग करू जो ओएलईडी एबे सब मोबाइल फोन पे पिला ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड एबे बहुत स्लिम आसु जी फोन आसु जी कि आगु फोन को तो देखो फोन आगु मोटा मोटा सेट आसु एबे पूरा स्लिम और सिल्क सेट आसु जी टिमलेस एम के आसु जी मेमोरी कार्ड कथा कहछुले ए जो मेमोरी कार्ड अछि देखो मेमोरी कार्ड साइज तो छोटिया किंतु सेट के साइज मेमोरी कार्ड 4G 8G 128G 256G ता माने मेमोरी कार्ड कैपेसिटी बढ़ि बढ़ जाउ जे किंतु साइज ता से छोटिया से चिप साइज सेमते तो 2G सिम को 3G सिम को 4G सिम को सब साइज समान किंतु एमे तो कैपेसिटी होतो तमे एमे 6 सेंसर रेफ्रिजरेटर कथा को ता माने मोर सिंपल कथा होची आमे एते कंप्यूटर से यूज करछो दिन मोबाइल फोन यूज करछो केते फलो टीवी यूज करछो ती सब ए इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया त सब ए इलेक्ट्रॉनिक्स तुम पढ़े पले पढ़िबो आमु कह दो छी मोर प्ले स्पेशल पेपर पीजी रे मोर स्पेशल पेपर ला कंडेंस मैटर फिजिक्स को नै त एई ऊपर को नै मोर स्पेशल पेपर मु करि छी त तुमको पले बहुत इंटरेस्ट नै सुनय जिंस कोन हो छी त माने आमे एते त क्लियर नै गेले जे आमु मोर फिजिक्स मोर सोसाइटी सहित चलया पिले आमकु मोर जिंस बहुत भलो भलो जिंस जहाँ की जहाँ कॉस्ट बहुत कम थी वो आम कुछ और भी कोई एफिशिएंट तो थी वो अब हमें सही चाहिए जे जिया हम को और भी कोई एफिशिएंट तो थी और भी काम कर थी वो भला ही थी वो वीडियो क्वालिटी और ये क्वालिटी बहुत बहुत भला ही थी वो अब कुछ कॉस्ट कम कर थी वो सर क्या मिलती पॉसिबल हो जी ना बाय यूजिंग अप कौन किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को नहीं ताल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन ना देखो वो कभी भी उठे इलेक्ट्रॉन पिछले उठे इलेक्ट्रॉन तो मास का होती कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सोची
pressure হচ্ছে atmospheric pressure 1 atm বা 1.013 to 10 to the power 5 pascal of pressure হচ্ছে যা কিন্তু এই ইলেকট্রন কো মুভ করে দিয়ে নাই তাহলে ইলেকট্রন যা কিন্তু কোন জায়গায় মুভ করিব যেটা কিছু প্রেসার পড়ল হতো বা প্রেসারটা বহুত লো হইতিব আর সেটা কোন কইলে ভ্যাকুম ভ্যাকুম কইলে কোন কি ভ্যাকুম কইলে শূন্য এমটি স্পেস কন্টেইনিং নো মিডিয়াম নো সাবস্ট্যান্স যদি কিছু মিডিয়াম নাই কিছু সাবস্ট্যান্স নাই তাহলে সেই জায়গার প্রেসার কত হবে প্রেসার বহুত লো হবে আর যার ফলে কি ইলেকট্রনটা ইজিলি ফ্লো হইব তার মানে সে কয় পে চাকুজি ইলেকট্রনটা হচ্ছে ফিজিক্স নোটে ব্রাঞ্চ जो तरीके में नुआ नुआ जिसको डेवलपमेंट पढ़ना अपना एप्लीकेशन पढ़िया कितने नुआ नुआ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है ला तार अपने एप्लीकेशन कौन ची ये नुआ नुआ जिसको डेवलपमेंट और एप्लीकेशन पढ़िया जो तरीके ले तो सब प्रूव ही पाएगा जब इतने एग्जांपल वैक्यूम की वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस है ला किसी गैसियस मीडिया ला तब मैं डिटेल से ये वैक्यूम ट्यूब सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसको पढ़िया आप बड़े कथा पहले मैं कह दो जी चार वर्ष तले जो सिलेबस ने चेंज हेतला से सिलेबस ने पहले वैक्यूम ट्यूब आम वैक्यूम ट्यूब का कांसेप्ट हटि जाय छी देखो पहले जो आगे जो टीवी आसला अचुके जो आगे वाला का बाहर होला पर बॉक्स वाला बाहर होला काहे कि ने सही जगह रे इलेक्ट्रॉन सब फ्लो करया पाई हले से माने वैक्यूम ट्यूब यूज करतिले आ वैक्यूम ट्यूब का बहुत बड़ साइज होतला आ वैक्यूम ट्यूब रे उज्जवल बहुत थिला जा पर के आगे जो टीवी गुडा का सुतला से टीवी गुडा बहुत जोंदा थिला आ टीवी गुडा के बड़ साइज होतला से जगह से वैक्यूम ट्यूब यूज करतिले आ से पर वैक्यूम ट्यूब कोन न वैक्यूम ट्यूब ता होत पिले उटे इलेक्ट्रॉन ट्यूब ते तमन जोतरे इलेक्ट्रॉन सा पास कर पाइबो आ से वैक्यूम ट्यूब एमति पिले दुई प्रकार वैक्यूम ट्यूब अछि उटे पिले अछि डायोड आ उटे पिले अछि ट्रायोड देखो पिले वैक्यूम ट्यूब पढिबा वैक्यूम ट्यूब कोन क्लास जानो वैक्यूम ट्यूब देखो पिले वैक्यूम ट्यूब रे आउ के नाम अछि पिले वैक्यूम ट्यूब कहले इलेक्ट्रॉन ट्यूब कह जाय जेतु इलेक्ट्रॉन ता सेई भीतर पास होत ता इलेक्ट्रॉन ट्यूब कह जाय बस ग्रीक लैंग्वेज में ता को भाग कह जाय यार काम में कोन यार काम हो जी ये कोन करे कोन है इलेक्ट्रॉन सो मोशन ता को कंट्रोल करबो वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉन ट्यूब और भाग कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पे इलेक्ट्रॉन का मोशन ता कोन करची ना सिंपल पे मोशन ता कोन करसी कंट्रोल करची तापरे एमिटी वैक्यूम ट्यूब दुई प्रकार अछि वैक्यूम ट्यूब पर इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट देयर आर जनरल टू टाइप्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब वन इज द डायोड एंड वन इज अनदर इज द ट्रायोड देखो पिले को डायोड और ट्रायोड पढा पई पूर्वरु मु तमके इलेक्ट्रोड कथा कहू छी इलेक्ट्रोड पहले कोन इलेक्ट्रोड ओखन इलेक्ट्रो केमिकल सेल आर रेकॉर्ड एज एनोड्स एंड कैथोड जो पे इलेक्ट्रो केमिकल सेल अछि तार दीटा इलेक्ट्रोड था जेला कैथोड आउ एनोड आमे जानु छी कैथोड ता नेगेटिव चार्ज जा को जे सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज तरो से इलेक्ट्रॉन सा एमिट करबो आउ जे इलेक्ट्रॉन सा एमिट करबो ताको एमिटर्स कह जाय आउ अन्य पक्ष रे एनोड ता हो पिले पॉजिटिव आउ से इलेक्ट्रॉन्स को जादु कलेक्ट करबो आउ एनोड ता पॉजिटिव बा एनोड ता जे भी इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर जी ताको कलेक्टर कह जाय ताले हम देखिले जे जो वैक्यूम ट्यूब रो वैक्यूम ट्यूब कहले जे इलेक्ट्रॉन्स रो फ्लो टा कंट्रोल कर जी अपने जो वैक्यूम ट्यूब रो दीटा इलेक्ट्रो लागे थाए ताको कह जाय डायोड डायोड ट्रांसफॉर्मेड टू द वैक्यूम ट्यूब व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड नेमली कैथोड आउ एनोड जो वैक्यूम ट्यूब रो दीटा इलेक्ट्रो लागे थाए तो डायोड कह जाय आउ से दीटा इलेक्ट्रो कोन ना को जे कैथोड आउ को जे एनोड आउ पर से वैक्यूम ट्यूब रो सिंबल और डायोड रो सिंबल कोन एटा पहला डायोड रो सिंबल एटा पहला एनोड एटा पहला एनोड एटा कैथोड एंड ओ पॉजिटिव साइन होची कैथोड नेगेटिव साइन होची दिस इज द सिंबल ऑफ अ डायोड आउ इन डायोड का काम कोन ए डायोड का काम होची कोन इट अलाउज द इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट डायरेक्शन यार कामटा पे होची से इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ता को सिंगल डायरेक्शन हो इट अलाउज द इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट डायरेक्शन ये केवल इलेक्ट्रॉन सब गुटिए डायरेक्शन नै आउटर डायरेक्शन को नै पाइबो ठीक अछि पिले ये गला तमरा कोन पिले ना डायोड ता पर हम पिले आउ गोटे कांसेप्ट पढिबा सॉरी पिले टिके पिले हम सॉरी ठीक अछि ता पर हम आउ गोटे पिले ट्रायोड ट्रायोड मतलब के कोन ना ट्रायोड इज टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब व्हिच कंसिस्ट ऑफ थ्री इलेक्ट्रोड नेमली कैथोड एनोड डायोड को साथ हम लोग इलेक्ट्रोड दिन जाने छलो गोटे होजे कैथोड आउ गोटे होजे एनोड आपन कोन आउ गोटे कथा कहले ट्रायोड कोन ये कोन वैक्यूम ट्यूब प्लस डायोड के बॉन्ड अछि वैक्यूम ट्यूब पेला ये मान लो कोन कैथोड प्लेट अछि एटा प्लेट जे हीटेड फिलामेंट से अछि जो फिलामेंट हला आ एटा प्लेट सिंपल हला कोन एनोड
ये प्लेन नोड ये कैथोड और ये एनोड और कैथोड मॉड्यूल उडे प्ले इलेक्ट्रोड तो अछि जहां नाला ग्रिड तो प्ले ग्रिड उडे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड व्हिच सेपरेट बिटवीन कैथोड और एनोड ये प्ले उडे हीटेड हीटेड फिलामेंट्स ताला जतो बड़ किछि हीट या एनर्जी आ दियासबो ए मेटल बॉडी किछि इलेक्ट्रॉन्स एमिशन होय आउ ये इलेक्ट्रॉन्स ता कोन होछि ए ग्रिड आ पोरस पार्टिकल्स ता मतलब पोरस कणाकणा अछि आउ ये ग्रिड तो काम होछि से इलेक्ट्रॉन्स बाय ये इलेक्ट्रॉन्स से तोलो बहुत मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एमिटेड हबो आ सब जक इलेक्ट्रॉन सासेड जमा हबे आ से इलेक्ट्रॉन सब बस स्पेस चार्ज कर दे आ ये ग्रिड काम हो जे एते जो इलेक्ट्रॉन सासुजी सब जक इलेक्ट्रॉन को से यूनिडायरेक्शनली गुटे डायरेक्शन गुटे पर गुटे इलेक्ट्रॉन को छाड़बो आ ये तो पॉजिटिव चार्ज रे पॉजिटिव आ कोई इलेक्ट्रॉन सब अट्रैक्ट करन की ताले ग्रिड काम बोलला ना ग्रिड जे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ से पारे बिटवीन क्या फोर्स ऑफ एनोड कुछ कंट्रोल द स्पेस चार्ज जे की स्पेस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन सब कंट्रोल करे तार का वैक्यूम को पता जान ले आगु में वैक्यूम पूरा लॉन्ग पुश ना सकत ना करो किंतु एकरा कोर्स पे हट जाई छी वैक्यूम टू आ कांसेप्ट नहीं हम सुना बस के बले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रो छी त हमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से डिटेल से पढ़िया के तार का जब पढ़ो तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन इलेक्ट्रॉनिक एमिशन के कहले कोन मन कर पिले मो पाकर के पिले हो छी यार डिटेल्स नोट्स को तुम प्रोवाइड कर पाली जहां की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अछि मैं तो व्हाट्सएप करे मैं कोर्स प्रोवाइड कर पाली देखो पहले तार आसे इलेक्ट्रिक एमिशन माने कर के बहुत मेटल सॉलिड अछि मतलब सोडियम के मेटल सॉलिड हला यार पर एटॉमिक नंबर अछि 11 जहां जति के एटॉमिक नंबर सेतरे सेति का इलेक्ट्रॉन्स थाए तनो यार कंफिगरेशन 2-1 अछि त माने यार आउटर मोस्ट सेल में के इलेक्ट्रॉन्स अछि सेले मैग्नीशियम पसंद ले मैग्नीशियम कंफिगरेशन 282 एल्युमिनियम पसंद ले 3283 कंफिगरेशन तनो यार ऑक्टेट को सैटिस्फाई करा पहले ए माने 1 2 3 रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को एमिशन करबे किंतु ऑटोमेटिक तो प्लेस में कोई बेना ए माने को ऊपर जो मेटल पर ऊपर तमे जदि प्ले किछ एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करबो तो एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करले मेटल पर किछ इलेक्ट्रॉन एमिशन होगती आ एई प्रोसेस को कहा जाय इलेक्ट्रॉनिक एमिशन तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन कोन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्ले नोट्स द टर्म फ्री इलेक्ट्रॉन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटालिक बॉडी बाय द हेल्प ऑफ बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक एमिशन जो प्रोसेस रे गुटे मेटल बॉडी रु इलेक्ट्रॉन्स को एमिशन हला बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी बाय द शक्ति एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करबा फले गुटे मेटल बॉडी किछ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हला याकु पिले कहा जाय इलेक्ट्रॉनिक एमिशन आउ एमिते चारि प्रकार इलेक्ट्रॉनिक एमिशन अछि जेमि कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन फील्ड एमिशन सेकेंडरी एमिशन आउ थर्मोनिक एमिशन देखो पिले फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन जा कि हम चंबु चैप्टर नंबर 11 जा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाय ऑलरेडी पढ़े दे छिले फोटो मींस कर बड़ ना लाइट एनर्जी ता माने जदि तमे गोटे मेटल बॉडी उपरे लाइट एनर्जी इंसिडेंट करबो ए जो एक्सटर्नल एनर्जी देखि पिले ए एक्सटर्नल जगह रे ए एक्सटर्नल एनर्जी जगह रे जे तमे लाइट एनर्जी अप्लाई करबो ता माने जदि तमे एक्सटर्नल एनर्जी ता लाइट एनर्जी उबे ता माने जदि लाइट एनर्जी अप्लाई करबा फले गोटे मेटल बॉडी इलेक्ट्रॉन सब एमिशन होती ताकु कहा जबो फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन खाली पिले एक्सटर्नल जगह लाइट चेंज कर तो डेफिनेशन हिजबो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटालिक बॉडी बाय द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन से बोले पिले फील्ड एमिशन कोने कोन या विषय पिले हम करेंट चैप्टर पढ़िले जे पिले कंडक्टर थिला ए कंडक्टर दुई पर एंड रे तमे गुटे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करतो इलेक्ट्रिक फील्ड माने कोन तमे गुटे सोर्स ऑफ पावर गुटे बैटरी जमो एग्जांपल होची तमे गुटे बैटरी कनेक्शन करतलो बैटरी कनेक्शन बा वोल्टेज दोतलो बा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करतो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करया परे एई साइड कोन होबे ना इलेक्ट्रॉन्स ता मूव हे सेटा को नेगेटिव रु पॉजिटिव आड़ को मूव हे ता माने जदि तमे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करचो एक्सटर्नल जगह तमे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दियो फील्ड लिख दियो ता सेटा हे जो कोन इलेक्ट्रॉनिक एमिशन तापर सिंपल कथा अबे डेफिनेशन कोन हो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटालिक बॉडी बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ फील्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज फॉर फील्ड एमिशन तापर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करया परे जदि मेटालिक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होउची त काज फील्ड एमिशन थर्ड इज सेकेंडरी एमिशन सेकेंडरी एमिशन कहे कोन भैया नाटक में सेकेंडरी ला काकी प्राइमरी ला नहीं देखो प्ले मन करे यो
कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स का मेटल बॉडी ऑलरेडी थिला बाय मेटल बॉडी ऑलरेडी अच्छी अच्छी एटा ला कहले थ्री एटा ला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स बा तुम कह पालो मॉर्निंग इलेक्ट्रॉन्स जा तुम सांग सांग देखो तो गुड मॉर्निंग कहो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कहो जो ता जत बले आउ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने भी जब ते कांटेक्ट कांटा उठाते सेम तो कोन होए ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मिलबो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स को मिलबो ता कहा जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स ¡Gracias!
ଆସିଲା ତାମାନେ ସବୁଠୁ ମିନିମମ ହେଉଛି ତାର 22 ଜୁନ ତାର ଏଇ 22 ଜୁନ ରେ ହିଁ ଏଇ ମିନିମମ ହେଉଛି ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଆଡମିସନ ହେଉଥିଲା ଏତେ ହେଲା ନି ଏତେ ଆଡମିସନ ହେଲା ତ ସବୁଠୁ ମିନିମମ ହେଉଛି 22 ଜୁନ ତ 22 ଜୁନ କୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ସୁପାଜେ ଏ ପ୍ଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଏ ତମ ପ୍ଲସ ସମ ବେସିକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ଆଇଡିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ କୋର୍ସ କୁ ଯିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଏନର୍ଜି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ସଲିଡ୍ସ ଇନ ଆକର୍ଡାନ୍ସ ଟୁ ଦ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ ଲଙ୍ଗସୁ ପଢିବା ଆପଣ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କାଲିଠୁ ମାନେ ନଭେମ୍ବର 5 ରୁ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲାସ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ